हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया था हमारा कंप्लीट, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। सेकेंड एक्सरसाइज भी सेम वही है, ग्राफिकल मेथड ही सॉल्व करना है हमें। तो एक्सरसाइज सेकेंड स्टार्ट करते हैं 3.2 वाले। उसमें भी हमें कंडीशन दी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को फिर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो सभी क्वेश्चन ग्राफ आपको पहली एक्सरसाइज में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो फिर आप इस एक्सरसाइज और अच्छे से देख लें, क्लियर हो जाएगा आपका ग्राफ। तो समझिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। तो पहले क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन बताना है इसका। अब इसमें पहला क्वेश्चन, व्हेन स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन अ क्विज। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से पहले हम कंडीशन बनाते हैं और कंडीशन को फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन समझिए इसका। हम सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, द नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू वन। अब 10 स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। और आपको वही फाइंड करना है कि गर्ल कितनी है और बॉय कितने हैं। तो बॉय को एक्स सपोज कर लिया, गर्ल को वाई सपोज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या, दोनों का सम कितना? 10। ये फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10, यानी क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है टोटल। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो गर्ल है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द बॉयज, तो गर्ल कितनी? y इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज। जो गर्ल है 4 मोर है किससे? बॉयज से। तो सेकेंड कंडीशन, y इज इक्वल टू 4 प्लस x। अब एक्स वाई को एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको उधर पहुंचा दो y को, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। कॉन्स्टेंट टर्म को लेफ्ट में लिया और इसको हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो x माइनस y माइनस का हो जाएगा और ये 4 को भी हम शिफ्ट कर रहे हैं इधर, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 है ना। ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो आप कंडीशन लिख लीजिए, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, है ना। इस फटाफट हम चेक करेंगे ग्राफ। मैं ग्राफ प्लॉट करके डायरेक्ट आपको समझा देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल ग्राफ ही देखा है और एक्सरसाइज में भी हम केवल ग्राफ ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। तो इसे आप कंडीशन समझ लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इसे समझे, पहली कंडीशन थी x plus y equal to 10 और दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो y को अगर हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और इस कॉन्स्टेंट को भी हम इधर शिफ्ट कर दिए, माइनस का हो गया 4। ठीक है, तो x माइनस y इक्वल टू माइनस 4, सेकेंड कंडीशन। इसे नोट डाउन करें आप। चलिए, इसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन थी x plus y equal to 10, तो इसको y में चेंज कर लिया, y is equal to 10x, x को इधर शिफ्ट कर दो, तो 10 minus x। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि वैल्यू इंटीजर टाइप की पुट करें और ऐसी वैल्यू पुट करें जो फ्रैक्शन में ना आए, यानी इंटीजर में वैल्यू है। तो ये तो सिंपल इक्वेशन है, तो हमने x 4 पुट किया तो y की वैल्यू 6, x आपने 6 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 पुट करी, x 5 पुट किया यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये 5। तो इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया क्योंकि मैक्सिमम 6 है। ठीक, इधर भी 6 7 तक ले लिया हम लोगों ने, इधर भी क्या कर दिया, ये -5 और इधर -3, क्योंकि इधर माइनस में नंबर्स नहीं है, इसलिए -5 तक लिया, इधर भी -5 तक लिया। ठीक, अब समझो
क्या है पहले, 4 पे 6, तो x4 और y कितना 6, तो पहला पॉइंट हमने ये प्लॉट किया था, ये x4 पे y की वैल्यू 6, तो ये 4 और 6 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, ठीक, x4 पे y 6, तो ये पॉइंट मिला था हमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट 6 पे 4, तो x6 और y कितना आपका 4, तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिला था 6 पे 4। और तीसरा पॉइंट 5 पे 5, तो x5 पे y5, तो ये पॉइंट हमें मिला था। इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया था, तीनों हमने कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं यहाँ पे 4 6 5 5 और 6, इन तीनों को ज्वाइन किया था कि स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब अगेन सेकेंड के लिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 x minus y equal to minus 4, अब यहाँ पे y is equal to x plus 4 इक्वेशन बन जाएगी, y के फॉर्म में बनाएंगे तो x plus 4 हो जाएगी। तो अब हम ये टेबल, मैंने सेकेंड के लिए टेबल बनाई, x0 पे y कितना होगा 4, x0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x अगर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 4 कितना होगा 5, और x2 पुट करोगे तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। इसके लिए ग्राफ 0 पे x0 पे y की वैल्यू 4, तो 0, 4 ये कोऑर्डिनेट हो गया, x1 पे y कितना 5, तो 1 पे 5 ये पॉइंट हो गया, दूसरा 2 पे 6, तो x2 पे y 6 ये पॉइंट हो गया। इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से। तो हमारी जो पहली लाइन थी L1, ये L1 लाइन, और ये दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी, ये सेकंड लाइन L2, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो इंटरसेक्शन को मैंने रेक्टेंगल से ये डॉटेड करके मैंने ज्वाइन किया, तो देखा क्या कि x पे ये 3 पे जा रहा है और y पे कितना 6, तो ये कितना 3, 6 पे क्या हो रहा है, वो इंटरसेक्ट हो रही लाइन। तो जो यूनिक सॉल्यूशन में पता है कि जहां पे लाइन इंटरसेक्ट होगी वही उसका सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्ट यानी कहां पे हो रहा है, x में 3 और y पे 6, तो ये 3, 6 लिखा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, x = 3 एंड y = 7, ये हमारा आंसर है फाइनल। ग्राफिकली हमें बताना था कि x और y की वैल्यू क्या होगी, तभी ग्राफिकली जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट हम बता देते, वही सॉल्यूशन होता है, ये वही यूनिक सॉल्यूशन होता है हमारा, ठीक। तो हमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बता दिया, x = 3, y = 7, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला आप नोट डाउन कर लो बढ़िया से, ग्राफ भी अच्छे से बना लेना, अब सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलिए फर्स्ट का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है ₹50 है, फिर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन कितना 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, आपको 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो हमें सपोज क्या करना है, ये फाइंड से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, यानी हमें यही फाइंड करना है, 1 पेंसिल का कॉस्ट और 1 पेन का कॉस्ट, ठीक। तो वही हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹x, 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹x, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y, पेंसिल x और पेन y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या फर्स्ट कंडीशन, 5 पेंसिल दैट इज 5x, 7 पेन 7y, क्या कॉस्ट ₹50, दोनों टुगेदर में ₹50, इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल दैट इज 7x, 5 पेन 5y इक्वल टू टुगेदर कितना 46 रुपीज, ये सेकेंड कंडीशन। देखिए भैया हमें फाइंड करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट, तो हमने सपोज कर लिया कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y। अब फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल 7 पेन, तो 5x 7y इक्वल टू ₹50,
पहली कंडीशन ₹50, 7 पेंसिल 5 पेन, तो 7 पेंसिल 5 पेन कितना ₹46। ये दोनों हमारी कंडीशन हो गई जनरेट। अब हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो आप कंडीशन लिखिए, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, इसलिए कि जल्दी हो जाएगा इजी, क्योंकि सभी एक्सरसाइज पूरे ग्राफ ग्राफ ही है, इसलिए मैं इसको इक्वेशन बना दिया मैंने। अब इसका मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, उसका पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, कहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, क्या सॉल्यूशन होगा, और वैल्यू मैं वही रख रहा हूं जो आप कैलकुलेट करने में इजी वैल्यू पड़े, ठीक है। तो न्यूमेरिकली जो इजी वैल्यू होगी इस इक्वेशन के लिए वो मैं पुट कर दूंगा टेबल में, आप अपनी इच्छा से जो भी वैल्यू पुट करें वो सही होगी, है ना। लेकिन ध्यान बस ये रखना हमें कि फ्रैक्शन में ज्यादा से वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, यानी वेरीफाई की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो फ्रैक्शन ना हो, ठीक है। तो यहां तक लिखो आप, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं इसका। चलिए अब इसका हम ग्राफ समझते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 था, तो 7y कितना होगा, 50 माइनस 5x होगा, तो y की वैल्यू निकालोगे तो 7 फ्रैक्शन में चला जाएगा, 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब इसकी ये टेबल, x की वैल्यू मैंने 10 पुट करी तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 50 0 0 अपॉन 7 0, x की वैल्यू 3 पुट करी तो कितना होगा, 5 into 3 15 हो जाएगा, 40 माइनस 15 35 हो जाएगा सॉल्व करने पे। ये सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5 into 3 upon 7, यानी 50 माइनस 15 upon 7 टोटल 35 होगा, 35 upon 7 सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा 5, ठीक है। 50 माइनस 15 upon 7 35 upon 7 तो कितना हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यू है, अगर हम -4 पुट करते हैं यहाँ पे एक्स सी प्लस -4 तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 50 माइनस 5 into -4 upon 7, तो माइनस प्लस हो गया ये, और 5 into 4 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 50 plus 20 upon 7, तो हो जाएगा 70 upon 7, कैंसिल करने पे 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 आ गया, ठीक। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, पहले पहली इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन x 10 पे y क्या होगा 0, तो x 10 देखिए, x 10 तो x 10 इधर ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ठीक। ये कोऑर्डिनेट माइनस में इससे ज्यादा नहीं लिया क्योंकि माइनस में वैल्यू -2 है इधर और ये -4 है, तो -4 तक ले गया हमने x में, और y में तो -4 तक y में भी कर दिया क्योंकि -2 दिया हुआ है, और फिर इसी स्पेस की प्रॉब्लम, स्पेस कम था इसलिए मैंने इधर माइनस से कम ले लिया, तो आप बड़ा भी बड़ी लाइन खींच सकते हैं, जैसे मान लो 10 लिया, इधर भी आप -10 ले लो, इधर भी आप नीचे भी -10 ले लो, ठीक। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, इधर भी 10 तक, ये -4 और इधर -4 तक लिया, वाई निगेटिव और एक्स निगेटिव। अब एक्स 10 पे वाई 0 है, तो एक्स 10 और वाई 0, तो एक्स हमारा 10 और वाई 0, तो ये रहा, तो 10 पे 0 तो ये रहा 10 कॉमन 0, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक्स 3 पे वाई 5, एक्स 3 पे वाई कितना 5, तो ये 3 कॉमा 5। तीसरा पॉइंट -4 कॉमा 10, एक्स -4 पे वाई की वैल्यू 10, तो एक्स -4 इधर आ जाएगा पीछे की साइड, और ये वाई 10 प्लस का इधर, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये हमने पॉइंट को यहाँ पे जान के एक्स माइनस फोर पे वाई 10, वाई 10 पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है, ये 10, तो -4 पे 10। अब ये हमने इन तीनों को ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारी लाइन L1 कंप्लीट हो गई, ये जो L1 लाइन है हमारी कंप्लीट हो गई, ये इक्वेशन ड्रॉ हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, 5 डिवाइड में आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन, x की वैल्यू पुट कर दिया, x पुट किया मैंने 8, तो 8 7 56, तो 46 माइनस 56 कितना हो जाएगा आपका -10, तो -10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -2। नेक्स्ट अगर हम 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट किया तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 तो 46 माइनस 21 कितना हो जाएगा 35 को अगर हम 46 माइनस 7 into 3 21 अपॉन, तो ये हो जाएगा 46 माइनस
और जो नेक्स्ट वैल्यू इसकी हमने यहाँ पे जीरो पुट कर दी, तो एक्स जीरो पुट करते पूरी टर्म जीरो हो जाएगी हमारी, ये जीरो हो गई, तो 46 अपॉन 5 9.2। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसे भी प्लॉट कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसे ड्रॉ करेंगे तो एक्स 8 पे वाई कितना -2, तो एक्स 8 ले लिया हमने, एक्स की वैल्यू 8 और वाई कितना आपका एक्स 8 पे वाई -2, तो एक्स 8 लिया और वाई -2, तो इन दोनों पे इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं नीचे आएगा, एक्स 8 पे वाई -2 तो ये पॉइंट था। दूसरा 3 पे 5, एक्स 3 लिया, एक्स 3 लिया वाई 5 दोनों पॉजिटिव वाले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो x3 पे y5 वही सेम पॉइंट जो पहली लाइन के लिए हमने ड्रॉ किया था वो पॉइंट सेम इस पे कॉमन हो गया। अब 0 पे 9.2, तो x 0 पे y कितना 9.2, तो 0 पे 9.2, 9 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया 9.2। ठीक, अब इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ये दूसरी लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, तीनों को ज्वाइन करने पे दूसरी लाइन हमारी ये ड्रॉ हो गई। ठीक, अब इन दोनों का देखो एक पॉइंट पे हम यहीं पे कॉमन हो गया था, तो इससे क्लियर हो जाता है कि सॉल्यूशन हमारा क्या है। ठीक है, अगर दोनों टेबल में कोई कॉमन पॉइंट दिख गया तो डेफिनेटली वही हमारा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का वही है 3.5 पे, और यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया था कि 3.5 दोनों में कॉमन है तो वही सॉल्यूशन है, तो हम लिख सकते हैं x is equal to 3 and y is equal to 5, ये आपका सॉल्यूशन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट में दो क्वेश्चन थे ग्राफ से सॉल्व करने थे और हमें उसकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक, तो दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, यानी पहले के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन में केवल हमें कंडीशन चेक करनी है और कंडीशन चेक करने के बिहाफ पे हमें बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो सब की कंडीशन मैंने बता दिया था, एक बार रिवाइज कर देता हूं। ठीक, अगर सपोज कर लो लेट a1x b1y c1 0 एंड a2x b2y c2 0, ये दोनों लाइनें दी जनरल इक्वेशन। तो पहली कंडीशन इंटरसेक्ट करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन जो लिखवाया गया था, यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या होता है a1 upon a2 is not equal b1 upon b2, इसमें लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, सेकंड कंडीशन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal c1 upon c2, ये लाइनें क्या होती है पैरेलल होती है, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो पैरेलल होंगी। और थर्ड क्या होगा आपका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन का केस जो होता है वो क्या होता है a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, ये तीनों इक्वल होगा, इसका लाइन क्या होगी कोइंसिडेंट होती है, यानी लाइन के ऊपर लाइन होती है। तो ये तीनों कंडीशन मैंने लिखवा दिया था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो टू टाइप के सॉल्यूशन एक कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो ये भी ये दोनों क्या होते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले कंसिस्टेंट होंगे, और ये क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंट होगा, यानी पैरेलल वाली जो लाइन होती है इनकंसिस्टेंट, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यूनिक और इनफिनिट इसका तो मेनी सॉल्यूशन होता है, इसका एक सॉल्यूशन होता है, तो ये दोनों क्या होती है कंसिस्टेंट होती है। तो आपको केवल चेक करना है, कंडीशन चेक करना है और चेक करके बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी क्या या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन, पहले के लिए फर्स्ट के लिए, तो क्या है आपका 5x -4y +8 0, और दूसरी लाइन है 7x +6y -9 0। तो यहां पे ऑन कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर कर रहे हैं, दोनों से जनरल इक्वेशन a1x b1y c1 0 एंड a2x b2y c2 0, इनसे कंपेयर किया,
तो ये a1 a2 हो गया, b1 b2 हो गया, और ये c1 c2 हो गया। तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 जो हमारा आएगा, a1 और a2 का रेशियो आएगा वो क्या होगा, 5/7, ये हो गया। अब b1 अपॉन b2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, -4/6, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करें तो 2/3, यानी फाइनली -2/3। अब यहां पे देखो a1 अपॉन a2 5/7 है और ये -2/3 है, तो वैसे ही इक्वल नहीं है। तो सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, इसे कंपेयर कर लो मैं, ये इक्वल नहीं होगा। 5/7 नेवर इक्वल -2/3, ये इक्वल नहीं है। इसकी कौन सा सॉल्यूशन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। पूछा था ना उससे, ये लाइन क्या कर रही है आपकी, या तो इंटरसेक्ट करेगी तो बताओ, या पैरेलल होगी तो वो बताना है, या कोइंसिडेंट होगी। तो लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, लाइंस आर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद रेशियो कैलकुलेट करना है, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2। तो यहाँ पे हमने दो ही चेक कर लिया, a1 upon a2, b1 upon b2 को ही चेक कर लिया, कि वो आपस में इक्वल नहीं है। तो c1 upon c2 इक्वल हो या नहीं हो, दोनों केस में है ना यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नॉट इक्वल है, इसके बाद वाला केस है, मान लीजिए जैसे मान ले a1 upon a2 नॉट इक्वल b1 upon b2 हो गया, तो बाद वाला या तो इक्वल हो या इक्वल ना हो, इक्वल होगा तो भी यूनिक है, नहीं होगा तो भी यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसलिए हम इसको चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए केवल हम इसी कंडीशन को चेक कर लेते हैं, चेक कर रहे थे। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा यानी सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड ईयर 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब फिर से कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग विद दिस, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 9/18, कैंसिल करोगे तो 9 1 और 2 1 और 2, तो 1/1। b1 अपॉन b2 का रेशियो चेक करें, 3/6, ये b1 और a2, तो ये भी हो गया 1/2। अब c1 अपॉन c2 तो क्या हो जाएगा, 12/24, ये b1 और a2, तो क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे तीनों क्या है, रेशो आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, तीनों आपस में इक्वल, तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन, और कंसिस्टेंट होने के बाद क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, यानी मेरी सॉल्यूशन का केस है ना, ये तीनों इक्वल है, यानी सॉल्यूशन कौन सा अपना, मेरी सॉल्यूशन, यानी लाइनें क्या होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, सेकेंड में कोइंसिडेंट, यानी अभी लाइन जो होगी पहली लाइन और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, लाइन के ऊपर लाइन होगी, यानी कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए मेनी सॉल्यूशन, मेनी टाइम्स वो इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन ऐसी रखी हुई है, तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट हम नहीं बता सकते हैं, है ना, कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, इसका मेनी सॉल्यूशन होगा केस, ठीक। अब हम थर्ड समझ लेते हैं कि थर्ड वाला केस हमारा क्या था, तीसरा केस समझ लेते हैं इसका। थर्ड केस, तीसरा, 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। ऑन कंपेयरिंग विद दिस, कंपेयर किया हमने, तो a1 अपॉन a2 क्या रहा, 6/2, कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा, 3/1, 2 3 6 होता है, तो 3 ये 1 टाइम्स कैंसिल होगा, और 3 टाइम्स। दूसरा b1 अपॉन b2 ये क्या हो गया, -3/-1, यहाँ भी कोफिशिएंट -1 है, तो -3 कैंसिल, ये भी कितना, 3/1। और c1 अपॉन c2 चेक किया हमने, तो 10/9। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये दोनों तो इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी कंडीशन कैसी है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक। तो इस केस में कौन सा सॉल्यूशन रहता है हमारा,
नो सॉल्यूशन का केस होगा और लाइन क्या होंगी पैरेलल टू ईच अदर, लाइन एक दूसरे की क्या होगी पैरेलल टू ईच अदर। तो आप यहां पे सॉल्यूशन लिखोगे पैरेलल लाइंस, ये होगी पैरेलल लाइंस सॉल्यूशन आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया आपको। अब हम थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं आगे। फिर समझते हैं हम इसे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब आपको इसमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कौन सा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मैक्स सॉल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट आपका होता है, इनकंसिस्टेंट इन पैरेलल लाइन सीरीज नो सॉल्यूशन है। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, रेशियो फिर से कंपेयर करना है, कंपेयर के डायरेक्ट वैल्यू बतानी है, है ना, आंसर डायरेक्ट कंपेयर के बाद ही बताना है। तो सॉल्यूशन अब यहां पे ए को फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इक्वेशन उसी टाइप से हम सपोज कर लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन आप वही सपोज कर लेते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू सी वन, कॉन्स्टेंट उधर कर दिया, अगर मान लो आप इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस ए भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस ही हो जाना है। ठीक, तो इक्वल टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू, इसे कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर किया तो क्या होगा, देयर फॉर ए वन अपॉन ए टू इसका जो रेशियो होगा 3/2। ठीक, बी वन अपॉन बी टू का रेशियो जो होगा बी वन अपॉन बी टू 2/-3 दिख रहा है, खुद ही इक्वल नहीं है। ठीक, थर्ड भी कंपेयर करते हैं c1/c2 ये कितना होगा 5/7। लेकिन यहां पे दो केस ही देखो स्टार्टिंग में, हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 क्योंकि ये 3/2, दिस इंप्लाइज 3/2 नॉट इक्वल 2/-3। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ऐसा केस है, तो क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन लाइन क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और क्या होगा कंसिस्टेंट, बस यही पूछा गया था कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और क्या होगा ये कंसिस्टेंट होगा। पहला नोट डाउन करिए, सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड वाला 2x-3y = 8 and 4x-6y = 9 2x-3y = 8 4x-6y = 9। अब यहां पे देख लेते हैं कौन सा केस है, ऑन कंपेयरिंग विद दिस, तो रेशियो क्या होगा a1/a2 का जो रेशियो होगा 2/4 होगा, सॉल्व करोगे तो 1 और ये 2 तो कितना होगा 1/2। b1/b2 का जो रेशियो होगा होगा -3/-6, ये भी 1 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा कितना 1/2। और c1/c2 का जो रेशियो होगा 8/9, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, तीसरा पार्ट इक्वल नहीं है, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है, तो लाइन क्या होगी, ये क्या होगा कौन सा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा और क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। लाइनें कैसी होगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी और इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट। ठीक, बस आपको कंडीशन चेक करनी है और आपको बताना है, हमें बस इनकंसिस्टेंट बताना था। तो सॉल्यूशन बिल्कुल लिख दिया, नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होगी और इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन समझते, तीसरा तीसरा क्वेश्चन है इसका, थर्ड 3/2x + 5/3y = 7।
दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 कंपेयर करते हैं a1 upon a2 का रेशियो तो 3 upon 2 डिवाइडेड बाय ये न्यूमरेटर है और ये 9 तो कुछ नहीं तो 1 इसे सॉल्व करेंगे तो 3 upon 2 into 1 upon 9 सॉल्व किया तो 3 1 जा और ये 3 जा दैट इज 1 by 6 2 3 जा 6 3 1 और 3 3 जा 9 तो 2 into 3 6 हो जाएगा b1 upon b2 5 by 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस 10 वन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 बाय 3 इनटू 1 अपॉन माइनस 10 ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हुआ लेकिन माइनस 1 बाय 6 तो थर्ड कंपेयर करो या ना करो बात एक ही है c1 अपॉन c2 कितना 7 अपॉन 14 कैंसिल हो गए 7 1 जा और ये 2 जा 2 टाइम्स जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाय 2 तो यहां पे केस क्या जनरेट हो रहा है आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 तो थर्ड वाला हम ये चेक करेंगे पहले ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि 1 by 6 है माइनस 1 by 6 है तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट होता ना ठीक है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी और क्या होगा कंसिस्टेंट होगा अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4 by 3 x plus 2y equal to 8 and 2x plus 3y equal to 12 on comparing with this a1 upon a2 equal to 4 by 3 numerator upon 2 तो ये 2 upon 1 लिख देते हैं तो कितना 4 upon 3 into 1 by 2 कितना हो जाएगा ये 2 तो ये हो जाएगा 2 upon 3 सेकंड देख लेते हैं b1 upon b2 कितना दिया है 2 upon 3 थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका c1 upon c2 इतना 8 upon 12 कैंसिल कर दो 4 से 4 2 जा और ये 3 जा 2 upon 3 2 upon 3 2 upon 3 2 upon 3 है ना यहां पे क्या होगा हियर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 तीनों इक्वल हैं ठीक तो तीनों इक्वल है तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लाइनें क्या होती हैं कोइंसिडेंट और सॉल्यूशन कौन सा कंसिस्टेंट क्योंकि मेनी सॉल्यूशन ये कंसिस्टेंट ये भी क्या होगा आपका कंसिस्टेंट होगा तो यहां पे हमने थर्ड क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है केवल कंडीशन चेक कर रही है आगे भी क्वेश्चंस हैं तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन तक इसको लिखिए आप